बीकन गांव के एक निजी फाइनेंस बैंक में शुक्रवार को दिन दहाड़े दो नकाबपोश बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया। बीकन गांव के एक निजी फाइनेंस बैंक में शुक्रवार को दिन दहाड़े दो नकाबपोश बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया, लेकिन बैंक कर्मियों के हौसले के आगे बदमाशों के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। बैंक कर्मियों ने हिम्मत दिखाकर एक बदमाश को पकड़ लिया। वहीं कट्टे में कारतूस लोड नहीं होने पर एक बदमाश मौके से भाग निकला। बैंक कर्मियों ने एक बदमाश को पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं घटना की तत्काल सूचना मिलने के बाद भी पुलिस मौके पर तो पहुंची, लेकिन दूसरे फरार बदमाश एक घंटे बाद भी नहीं पकड़ पाई है। घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है। एसपी धनवीर सिंह से मिली जानकारी के अनुसार बीकन गांव में खंडवा बड़ौदा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बस स्टैंड के पास फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक में दो नकाबपोश बाइक सवार बदमाश अचानक आए, फाइनेंस बैंक के नीचे अपनी बाइक खड़ी की और बैंक की सीढ़ियों पर चढ़े। यहां फाइनेंस बैंक में तीन कर्मचारी अपना काम कर रहे थे। बैंक कर्मियों के अनुसार बैंक में घुसे बदमाश ने अचानक कट्टा निकाल लिया और तान दिया। इनमें एक नकाब पहना था और दूसरे ने मास्क लगाया था। दोनों बाइक से बीकन गांव पहुंचे थे। आरोपितों ने बैंक कर्मियों को एक लाइन में खड़ा कर दिया और कहा कि बैंक के लॉकर की चाबी दो। कर्मचारियों ने हिम्मत जुटाते हुए सुदीप गंगराड़े नाम के युवक को पकड़ लिया, जबकि दूसरा साथी संदीप फरार हो गया है। बस स्टैंड पर जो फिनकेयर बैंक है, ये बैंक बेसिकली ज्वेलरी के एवज में लोन देने का काम करती है। इसमें लगभग सुबह 10 बजे दो संदिग्ध युवकों ने प्रवेश किया। उनके पास फायर आर्म भी थे और उन्होंने बैंक के जो कर्मचारी थे, तीन कर्मचारी, उनको ओवरपावर करने की कोशिश की। इसी दौरान बैंक का एक कर्मचारी मोहित यादव, उसने बहुत ही दूरदर्शिता का, सूझबूझ का, बहादुरी का परिचय दिया। उसने मौका देखते हुए वो पीछे से कूद गया और उसके कूदने के बाद उसने नीचे के जो आम नागरिक थे उनको खबर की। इससे हड़बड़ा के जो मुख्य जो संदेही थे वो वहाँ से भाग गए। बैंक के दो कर्मचारी थे, उन्होंने एक आरोपी को बैंक के अंदर ही डिटेन कर लिया और डिटेन करने का पुलिस को सूचना दी। पुलिस को सूचना मिलने की, पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी बस स्टैंड पर ही थी जो 5 मिनट के अंदर वहाँ पहुँच गई। तो इस घटना में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी मूल रूप से बीकन गांव का रहने वाला है, वर्तमान में इंदौर में रहता है। इससे जानकारी मिली है। दूसरा इसका साथी है, वो संभवतः रीवा का रहने वाला है, उसकी तलाश के लिए पार्टियां गई हैं। कुल मिला के बैंक के कर्मचारियों की सूझबूझ, उनकी सावधानी, उनकी अलर्टनेस और उनकी बहादुरी के कारण एक बड़ी घटना होने से टल गई है। बैंक के कर्मचारियों को, जो स्थानीय नागरिक जिन्होंने इस पूरे कार्रवाई के दौरान मदद की है, उनको शाम को हम लोग पुरस्कृत करेंगे। डिजियाना न्यूज निमाड़ रिपोर्ट, बीकन गांव। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।